हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, एम्स बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आपने एम्स पैरामेडिकल के लिए एग्जाम दिया था और आप एम्स पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है और वो शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग की सेकेंड काउंसलिंग कब शुरू होगी और बीएससी नर्सिंग एम्स के अंदर किस तरह से सीट अलॉट होगी, कब क्या रिपोर्टिंग करवानी है। तो एम्स को लेकर के ये कंप्लीट वीडियो है मेरे दोस्तों, और आपको ये पता होना चाहिए एम्स पर ईयर बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल के लिए विजय एजुकेशन एंड न्यूज लगभग मेरे दोस्तों अगले सप्ताह में 10 फरवरी के आसपास ऑनलाइन ऐप पर बेच शुरू कर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपका सपना भी एम्स के द्वारा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज करने का है तो आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज से जरूर जुड़ें और अगले अपडेट का इंतजार करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मेरे दोस्तों, एम्स पैरामेडिकल के लिए जो है काउंसलिंग प्रोसेस 3 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। तो आपको 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में कॉलेज की क्या भरनी होगी मेरे दोस्तों, चॉइस। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, चाहे आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में कॉलेज चॉइस तो 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में ही भरना पड़ेगा। यह जरूरी है, यह मस्ट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर, मैंने 3 से 7 फरवरी के बीच में कॉलेज की चॉइस भर दी, तो मेरे दोस्तों इस कॉलेज की चॉइस भरने के बाद कॉलेज की चॉइस में कोई एडिट नहीं होगा, बाद में इस चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर मान लो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपको अगर पसंद नहीं है तो आप सेकंड राउंड के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में भी जो काउंसलिंग के अंदर कॉलेज की चॉइस भरी है उनमें से ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज चॉइस जब भी भरें तो बिल्कुल सोच समझ के भरे मेरे दोस्तों, और किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं इसका पूरा सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है एम्स ने, और वो मैंने विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर फाइल डाल दी है। आप नीचे मेरे दोस्तों जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक पर जाकर के उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अपन बात ये कर रहे हैं कि सर, फर्स्ट राउंड का जो हम सीट जो है प्राप्त करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए 7 फरवरी तक जब चॉइस भर देंगे तो इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट जारी होगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होना है उसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही 10 फरवरी को रिजल्ट आएगा, फिर आपको मेरे दोस्तों 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक रिपोर्टिंग का मौका दिया जाएगा। मतलब ये कि आपको एम्स के उस कॉलेज में जाकर के अपने क्या जमा करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, मतलब आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको जो है कॉलेज जो मिली है मेरे दोस्तों, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आप किसी दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों आपको अगली काउंसलिंग के लिए जाना होगा सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 16 फरवरी को क्या होगी, शुरू होगी। अब मेरे दोस्तों, आप एक बात यहाँ पे और ध्यान रखें, 10 फरवरी को ही आपको मौका दिया जाएगा कि आपको जो कॉलेज मिला है इसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप 10 फरवरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कॉलेज को, तब तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए 14 फरवरी तक जाना होगा, और अगर आप रिजेक्ट कर देते हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी जो कि शुरू होगी 16 फरवरी को। 16 फरवरी को आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल मेरे दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जो है सबमिट करना है फॉर्म को। अब मेरे दोस्तों देखिए, क्योंकि कॉलेज तो आपके पहले से भरे हुए है ही, अब 17 फरवरी को मेरे दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। जैसे ही 17 फरवरी को रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट चेक किया, अब भी आपको जो कॉलेज मिली है वो आपके मन के मुताबिक नहीं है, तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो आपको मेरे दोस्तों आगे
जो मोपअप राउंड होगा फाइनल राउंड उसमें जाने का मौका मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आगे कॉलेज मिले ही नहीं। और अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको 18 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में सेकंड राउंड के लिए रिपोर्टिंग हेतु कहाँ जाना पड़ेगा कॉलेज में, और क्या जमा करवाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरह से मेरे दोस्तों 23 फरवरी तक लास्ट एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रिपोर्टिंग चलेगी, सारी सीटें अलॉट हो जाएगी, और इसके बाद अगर कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब मेरे दोस्तों दूसरी बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए मेरे दोस्तों केवल और केवल लड़कियां ही भाग ले सकती है, जबकि एम्स के पैरामेडिकल के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों ही भाग ले सकती है। आपको पता होना चाहिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम लगता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लगता है मेरे दोस्तों। तो यहां पर आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो मेरे दोस्तों 5 फरवरी को जारी होने वाला है, क्योंकि इसकी कॉलेज चॉइस फिलिंग पहले कंप्लीट हो चुकी थी, तो सभी बच्चों ने कॉलेज की चॉइस फिलिंग भर दी है, और इसका मेरे दोस्तों सीट अनाउंसमेंट यानी आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये 5 फरवरी को आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको 5 फरवरी को आपका रिजल्ट आने के बाद आपको अगर ये कॉलेज पसंद नहीं है जो कॉलेज आपको मिला है, तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद है तो आप वेबसाइट पर जाकर के एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको 7 से लेकर के 11 फरवरी के बीच में रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। और मान लो आपने रिजेक्ट कर दिया इस कॉलेज को, ठीक है, तो फिर आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जाना होगा, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग 16 से लेकर के 17 फरवरी तक चलेगी, जिसका रिजल्ट 21 फरवरी को आएगा, और जिसकी रिपोर्टिंग 22 से लेकर के 26 फरवरी तक चलेगी। तो इस तरह से मेरे दोस्तों फरवरी के लास्ट वीक तक बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, और 1 मार्च से आपके नए बैच शुरू हो जाएंगे, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा एक और एम्स की बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग चल रही है, दूसरी और मेरे दोस्तों नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है, तीसरी तरफ आईपीयू दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों उसकी भी काउंसलिंग चल रही है, रिकॉन की काउंसलिंग चल रही है, जिपमेर की चल रही है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर भी आरयूएचएस की काउंसलिंग भी अभी शुरू होने वाली है। तो चारों तरफ मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मेसी का एक अलग ही लहर चल रही है, और सभी बच्चे इस कोर्स को करने के लिए अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, ये न्यूज़ आपको देनी बेहद ज़रूरी थी। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी डिमांड थी कि सर आप एम्स के बारे में जानकारी दीजिएगा, पैरामेडिकल का शेड्यूल बताइएगा, तो मैंने शेड्यूल आपके सामने रख दिया है। ठीक है, जिन्हें पैरामेडिकल एम्स पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है वो कॉलेज की चॉइस भरना शुरू कर दें, आज से ही आप कॉलेज की चॉइस भर दें लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप सभी से आग्रह करूंगा, आपने विजय एजुकेशन एंड न्यूज परिवार पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है, इसलिए मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपके गार्जियंस को नमन करता हूं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये परिवार इतना जो है मेरे दोस्तों ग्रो कर रहा है। ठीक है, और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस परिवार को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।